सर, जाहिर है हम आज के दिन जो बात कर रहे हैं, दो दिन बाद आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ, पूरी इलेक्शन कैंपेन में हमने एक चीज़ देखी, वो थी एक दूसरे को गद्दार का अलकाब से नवाजना, चाहे वो पीटीआई, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे नून लीग, जो भी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही थी वो ये कहती हुई नज़र आई कि ये गद्दार है, इसने कश्मीर का सौदा कर दिया है। क्या हमारी इलेक्शन कैंपेन, खास तौर पे जब हम आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, इतना सेंसिटिव ये एक मामला होता है, क्या इलेक्शन कैंपेन सियासतदानों की एक दूसरे को गद्दार किए बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती आपके ख्याल में? नहीं ये बुनियादी तौर पे कैरेक्टर की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है, ग्रेस की कमी है, उसकी वजह है। मैं सख्त जबान आदमी हूँ खुद ज़ाती तौर पर, लेकिन मैंने कई बार ये बात लिखी है कि दो इल्ज़ाम मैं अपने इंतहाई नापसंदीदा तरीन आदमी के मैं नहीं कर सकता। एक, किसी को ये काफिर कहना, दायरा इस्लाम से खारिज करना, बंदा क्या, उसकी औकात क्या, एक ये, और दूसरा आप जो किसी को गद्दार कहते हो। मुझे कल परसों मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पर एक सवाल आया मुझे कि ये इन्होंने मुल्क लूटा, ये किया वो किया, तो इनको गद्दार क्यों ना कहा जाए। मैंने कहा इसलिए ना कहा जाए कि गद्दारी बदकारी की आखिरी किस्म है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। बंदा जो है वो हवस जर में मुब्तला होके लूट मार कर सकता है, पैसा लूट सकता है, दैट इज़ डिफरेंट। ये दो बड़े इल्ज़ाम हैं। कम अज़ कम मैंने कभी ख़ुद को इस काबिल नहीं समझा कि मैं किसी को ये, बल्कि एक बात मैं आपको याद कराऊँ, मैंने याद कराने वाली नहीं, मैं एक ज़माने में जब ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले एक कहीं कादियानीज़ या अहमदीज़ का कोई मियाँ नवाज़ शरीफ ने रवा रवी में कह दिया कि वो हमारे भाई हैं, तो बड़ा मौलवियों ने कुछ ख़ास तरह के जो होते हैं, तो मैंने कहा यार ये क्या लोग, तुम क्या कर रहे हो। हालांकि मैं आई डोंट लाइक नवाज शरीफ, मैंने कभी उनकी गवर्नेंस, उनसे क्या मैंने लाइक डिसलाइक करना है, गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो यार तुम अजीब लोग हो, इस तरह इतनी आसानी से तो लोग खारिज नहीं करते जैसे तुम दायरा इस्लाम से खारिज करार दे रहे हो। अब ये दो इल्ज़ाम लगाना, ये सवाए इसके कि आपकी तरबियत छीनी हुई, आपकी तालीम वाला नहीं है, आपके अंदर को ग्रेस नहीं है, वकार नहीं है, और वो 1001 इल्ज़ाम है भाई वो लगा लो, लेकिन ये दो, ये नहीं, ये किसी और पे छोड़ दो। ये आप, और ख़ास तौर पे जो दायरा इस्लाम से खारिज फरमाते हैं, इनका तो हाल ही कोई नहीं। सो बेसिकली ये कच्चे पक्के किरदार हैं, ये फ्लूकिए हैं, ये डेमोक्रेसी या ये इंतखाब वगैरह तो इस मुल्क का वैसे ढोंग है। मैंने तो कभी इसको डेमोक्रेसी समझा ही नहीं। जिस मुल्क में 95% अवाम की नुमाइंदगी सिफर भी ना हो असेंबली में, तो आप एक जुगाड़ लगा के, आप एक ढोंग करके, आप एक ड्रामा नौटंकी रचा के, आप बेवकूफ़ किसी और को तो बना लें। मैं तो नहीं बनता, मैं उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट मैं दिल के अंदर तो इस गंदगी और गलाजत को बुरा कह सकता हूँ। तो ये तो हमारी आई नहीं। आप आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हो, इस्लामाबाद जिसको ये मुकद्दस ईमान कहते हैं, वो तो मछली मंडी से बदतर होता है, बदबूदार होता है, वहाँ कौन कौन सी जबान इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इन पे तो वेस्ट ऑफ टाइम है। इनफैक्ट सही कह रहे हैं आप कश्मीर, ज़ाहिर हम कश्मीर के इलेक्शन पर बात तो करेंगे, लेकिन अभी आपने बात की ना कि मुकद्दस ऐवान पार्लियामेंट का वो कैसे मछली बाजार बना हुआ होता है। कुछ ही दिन पहले मैं आपका एक कॉलम पढ़ रही थी, उसमें आपने लिखा सियासतदान और बदजुबानी। ये बदजुबानी जो होती है, जब आप किसी के खिलाफ कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जो अपने लिए आप अच्छा नहीं समझते, लेकिन आप वो इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, संसद बच्चा बच्चा बात कर रहा है, जब मेरे अपने बच्चों ने मुझसे पूछा कि ये अम्मा वो जगह है ना जहाँ सियासतदान बैठते हैं, और ये दूसरे से किस तरह की बातें कर रहे हैं, अम्मा क्या हुआ है, क्योंकि आपको पता है न्यूज़ चैनल्स में आप हेडलाइंस में एक एक चीज़ बार बार दिखाई जा रही होती है, मैं तो शर्मिंदा हो गई। लेकिन मुझे लगता है हमारे सियासतदान कभी शर्मिंदा नहीं होते। नहीं देखें, आपको एक बात बताऊं, बहुत सीनियर मैं उन फौत हो गए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। मैं ये बेसिकली आपकी भी एजुकेशन के लिए है जी। मैं, वो थे सराय की बेल्ट के एक बड़े मशहूर नेक नाम सियासतदान,
और वैसे भी बड़े वेरी गुड लुकिंग इम्प्रेसिव बुजुर्ग थे वो। तो इस तरह सियासत पर बात करते हुए उस जमाने में लाहौर का शीजान मौजूद था, अब तो शीजान मिटा गया है, होटल की बात कर रहा हूँ रेस्टोरेंट की। तो मुझे कहते हैं, चूँकि सराइकी बैकग्राउंड था उनका, तो मुझे कहते हैं कि बेटा एक बात याद रखना, पाकिस्तान की सियासत तीन लफ्ज़ों में मैं तुम्हें समझा देता हूँ। मैंने कहा जी फरमाए। कहते हैं अकीना थकीना चकीना। अब मुझे नहीं पता आपका क्या आप पंजाबी से फेमिलियर हो या नहीं, कि उकताना नहीं, थकना नहीं, झिझकना नहीं, किन चीज़ों से? खुशामद से, चापलूसी से, झूठ से, काम चोरी से, हराम खोरी से, एक्सप्लॉयटेशन से। उन्होंने एक लंबी फहरिस्त, उन्होंने कहा शर्म हया नाम की अगर कोई चीज़ आपके इर्द गिर्द भी पाई जाती है तो यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड एज अ पॉलिटिशियन। ये उनका तो ये बेसिकली आप देखते हो तो रोज़मर्रा की बात है, इसमें कोई ऑब्जर्वेशन देने की, कोई जजमेंट देने की, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जितनी परफॉर्मेंस है वो आप लोगों के सामने है, और आप 70 साल से तो भुगत ही रहे हो। सही कह रहे हैं आप। अच्छा चलें, यहाँ तो आपने बड़े अच्छी तरीके से समझा दिया हमारे व्यूअर्स को भी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन वापस आते हैं, हसन साहब क्या होने जा रहा है इस बार? वही होगा जो माजी में होता रहा या कुछ और मुख्तलिफ होगा? क्या जो पहले से बातें की जा रही हैं धांधली का शोर भी मचाया जा रहा है, वो तो अब एक वतीरा ही बन गया है कि इंतखाबात से पहले धांधली का शोर मचाते रहो, लेकिन तहरीक इंसाफ क्या लग रहा है आपको हुकूमत बनाती हुई? क्योंकि सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि पिछले ज़िमनी इलेक्शंस में जो जिस तरह शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ को, तो ये इंतखाबात बड़े अहम हैं। क्या लग क्या रहा है आपको, क्या होगा? देखिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें जो आप बात कर चुके हो पहले जी कि आज़ाद कश्मीर की एक हिस्ट्री है, जैसे इंडिविजुअल्स की हिस्ट्री होती है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, इसी तरह इलाकों का भी एक मिजाज होता है, एक रिवायत होती है। वो जिनकी गवर्नमेंट हो मरकज़ में वफाक में वो उधर ही जाया करते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी बात की है जो आप खुद पॉइंट आउट कर चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि अब जो है ना बड़ी पॉजिटिव किस्म की वाइब्स आ रही हैं। मैं आज़ाद कश्मीर से तो आई एम नॉट फेमिलियर, लेकिन मैं पंजाब में जहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा या जिसे कह लें आप अफसोस या दुख या इस्तराब पाया जाता था, वहाँ भी अब लोगों ने एक फीलिंग सी है, आई होप आई एम राइट, मुझे नहीं पता, मुझे महसूस हो रहा है कि एक पॉजिटिव सी एक फिज़ा में जो एक नहीं होती एक फील, मेरी फील ये है कि यहाँ भी पॉजिटिव वाइब्स हैं पीटीआई के बारे में और इलेक्शन के बारे में। तो जो आपने कहा मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, चलें लेट्स पुट इट दिस वे। बिल्कुल सही। तो होता ये है कि इसका भी ना एक पता चल जाता है भाई, ये अगले इलेक्शन का एक वो होता है कि जी अगले इलेक्शन में भी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाती है। तहरीक इंसाफ के बारे में आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर है ये एक ऐसी जमात जिसके साथ बहुत सारी होप्स उम्मीदें, वो जमात जब इकतदार में आई तो बहुत सारे वादे, अपने 100 दिन की कारकर्दगी, फिर रियासत मदीना की बात जिसकी बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज बात करते हैं, बिलाशुबा बेहतरीन लीडर हैं। लेकिन जो पूरी जमात की अगर बात करें, जिस तरीके से हुकूमत कर रही है तहरीक इंसाफ, आप तय है कि अगली बार क्या होगा, क्या एक दफ़ा फिर आवाम इनको देंगे चांस? देखें अवाम हमारे जो हैं, ये एक ऐसी तारीख हमारी एक ऐसे दोराहे पे आके खड़ी हो गई है जहाँ ये पहली बार मुझे अवाम अनप्रडिक्टेबल लग रहे हैं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है कि एक जिस पे मैं सबसे पहले इस मुल्क में रिएक्टिव मैंने किया था, अभी मेरा ख्याल साल ही हुआ था बमुश्किल, या एक साल प्लस हुआ होगा, जब मैंने बहुत अच्छा, मुझे मेरे दोस्तों ने भी समझाया, कहा कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया है और ये और वो। मैंने कहा यार मैं एक्सपेक्टेशंस, देखें तवक्कुआत जो है ना, एक बड़ा खूबसूरत मिसरा है हमारे दोस्त हैं शुएब बिन अजीज़, उनका मुझे उसने तवक्को से ज़्यादा मार डाला है।